अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमल जहरा है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल। मैंने 10th में मैंने प्री बोर्ड के पेपर्स दिए, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर्स किस तरह अटैम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का पता चला, और शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। तो आप भी ISO के पेपर्स में क्लियर हो जाएँ। वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा समर और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से हूँ, और मैंने इस बार इस प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हिस्सा लिया और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ और बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, और कैसे हमें पेपर हम दे सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले तो मेरा था कि कर सकूँगी, लेकिन मैथ्स मेरा पार्क स्टडीज़ का पेपर बहुत अजीब सा हुआ, जो जिससे मुझे आइडिया भी हुआ कि पेपर कैसे आ सकता है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़े कम लग रहे हैं चांसेस। अब हम न्यू 9th में हैं तो हमें आइडिया होता कि हमें कैसे बोर्ड के पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, कैसे हमने क्वेश्चंस को कैसे हमने प्रेजेंटेशन करनी है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। मेरा नाम इरम शरीन है और मैं दिल्ली एकेडमी की तालबा हूँ। हिस्सा लेना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए क्या करता है कि हमारे स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि आप हमें बोर्ड के एग्जाम्स प्रिपेयर होना है तो ये लोग हमारी तैयारी कराती है, इशू होगा तो इधर यहाँ पर हमें मतलब सिखाते हैं कि किस तरह हमें बोर्ड में प्रिपेयर होना है, हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताते हैं और बहुत सारी मज़ीद मालूम देते हैं। और इनके पेपर का बहुत ज़्यादा सख्त पेपर होता है और ब्रिलियंट पेपर होता है। मैं सच्ची बात बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतना इस बोर्ड अपेयर कराया, जिसकी वजह से हम अपने आगे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये पेपर जो है वो SLO बेस के मुताबिक होते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोगों ने इसमें हिस्सा लेना है, अगर आप हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम से उसमें कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहरा बतूल है। हम यहाँ पर ISO के पेपर जो है वो कंडक्ट करवाते हैं हर साल। स्टूडेंट्स को जो है वो हर पेपर से पहले हम ISO के पेपर्स लेते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी लर्निंग आउटकम्स का पता चलता है कि वो कितना जो है वो लर्न कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम्स जो होते हैं एंड होते हैं, उसके बाद हम जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशंस। देन हम जो है पेपर्स जो है वो बच्चों को वापस करते हैं ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो देखें कि वो कितने जो है वो कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हैं। Welcome, it's me Nafisa Zia and I am from Public School and Colleges Jutiyal, Gilgit. Today I am here for the examination of ISO and I think that it's a very good exams for all of us for matric and 9th as well, and I advise all of you to join this examination, pre-board examination, as it is really good for us for our preparation. We are appearing here for the first time and we are attempting the questions and attempting the paper of complete book test, so it's very good for us that we are doing this and we are having the experience that how to prepare ourselves, how to do our paper presentation, how to manage our time, and it's very good for us that we are preparing for this. And I advise to those who have not joined this, and many of the people are like that, they did not know about this, so I advise you all that as to my juniors and to my juniors that you must join this examination, as it's very very helpful for you that you have given short time for preparation of long term, and you will be very prepared, and on your board examination when you will appear there, it will be very helpful for you. I experienced this and this was from my side, and it's now decision upon you that how would you think about it, how would you do about this, and how would you did in this. Thank you so much. I tried to compete and I think I will be on top 10 position, and I hope so, and I'm